आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज हम रागी की बात करेंगे। रागी अपने उच्च पोषण मूल्य के कारण खाद्यान्न के शिखर पर माना जाता है, यानी कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें सबसे ऊंचा माना जाता है। आसानी से आपके दैनिक आहार का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे इसे चपातियों के रूप में या नाश्ते के रूप में दलिया के रूप में खा सकते हैं। दोस्तों आप इसे 7:3 के अनुपात में गेहूं के आटे में मिलाकर खा सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। रागी फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। दोस्तों रागी सबसे पौष्टिक अनाजों में से एक माना जाता है। केवल इतना ही नहीं, रागी कैल्शियम में भी बहुत उच्च माना जाता है। एक खनिज जो हड्डी के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है वो भी इसमें पाया जाता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। ये आपके रक्त उत्पादन करने में मदद करता है, यानी कि रक्त को बनाने में बहुत मदद करता है। जिनको एनीमिया है या रक्त की कमी है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। रागी को पीसकर आटे के रूप में या अंकुरित करके भी खा सकते हैं। खून की कमी हो या कम हीमोग्लोबिन वाले मरीज हों तो उनके लिए भी ये फायदेमंद होता है। चलिए आज हम विस्तार से इसके फायदे जानते हैं। पहला फायदा है, हड्डियों के विकास में कारगर है। कैल्शियम की कमी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक दोनों में देखी जाती है, जिसके लिए हम कैल्शियम की बहुलता वाले अनाज की बात करते हैं तो कोई अन्य अनाज रागी के करीब नहीं आता। बढ़ते बच्चों के आहार में रागी कांजी या दलिया शामिल करना इसके लाभ उठाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है। अगला है, कैल्शियम की कमी को दूर करती है रागी। रागी का आटा किसी भी अन्य अनाज की तुलना में कैल्शियम के सर्वोत्तम जो गैर डेयरी उत्पाद होते हैं उनमें से एक माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार 100 ग्राम रागी में 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। कैल्शियम स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण है और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, जो एक हड्डियों की बीमारी होती है, उसको ये दूर करने में मदद करती है। ये बढ़ते बच्चों के लिए फायदेमंद है, उन्हें ये रागी दलिया के रूप में आप दे सकते हैं। अगला है, रागी मधुमेह की बीमारी में लाभदायक है। मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति अपने शुगर में ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए रागी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें उच्च पॉलीफेनॉल और फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है। रागी में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो खाना पचाने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। अनाज का बीज कोट, चावल, मुनक्का या गेहूं की तुलना में पॉलीफेनॉल्स और आहार फाइबर में प्रचुर मात्रा में होता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्रेविंग को कम करता है और पाचन की गति को बनाए रखता है, फलस्वरूप रक्त शर्करा की सुरक्षित सीमा में रखता है। अपने पूरे दिन को ट्रैक करने के लिए इसे अपने सुबह के भोजन में शामिल करना या दोपहर के भोजन के लिए सबसे अच्छा है। रागी अनाज का सेवन आप सुबह और दोपहर के समय कर सकते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल सही से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है, एनीमिया को दूर करने के लिए। इसमें आयरन की उच्च मात्रा होती है। अंकुरित रागी खाने के फायदे और भी अधिक हैं, क्योंकि जब रागी अंकुरित हो जाता है तो इसमें विटामिन सी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे खाने में पाए जाने वाले आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे खून की कमी यानी एनीमिया से छुटकारा मिल जाता है। रागी प्राकृतिक आयरन का एक उत्कृष्ट स्रोत है और इस प्रकार ये एनीमिया के रोगियों के लिए और कम हीमोग्लोबिन स्तर वाले लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। एक बार रागी को अंकुरित करने से विटामिन सी का स्तर बढ़ जाता है और रक्त प्रवाह में लोहे के आसान अवशोषण की ओर जाता है। लोहे के अवशोषण के लिए आप इसका सेवन रागी डोसा या रागी बॉल्स के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।